तो सर आप और हमारे जो किसान भाई हैं, ओ मम्मी ओ मम्मी ओ मम्मी ओ मम्मी ओ मम्मी ओ मम्मी ये क्या है ये जो खा रही हैं ये? मैम ये सिर्फ बकरियों के लिए नमक आता है बाहर से, पाकिस्तान से। पाकिस्तान से ये काला नमक आता है इनके लिए। इसके क्या फायदे हैं सर बकरियों के? इनका फायदा ये कि जैसे चारा खाएंगे उसके बाद पाचन क्रिया के लिए। जैसे हमने 3 साल पहले स्टार्ट किया था तो हमारे पास 10 से 12 बकरियां थी जी। हाँ, तो धीरे धीरे बढ़ोतरी होती गई, अब हमारे पास जो है कुल 71 हैं। कि ये कितने तरीके की ब्रीड आपके पास है? मैम हमारे पास जो है 3 ब्रीड है। सर इस पे कोई गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी मिलती है? आप स्कीम देती है, उसमें हमें देते हैं 11,000 में 11 बकरी देते हैं और 1 ब्रीड देते हैं। नमस्कार नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कुछ समझती है आप इनमें से? कोई बात नहीं। सो नमस्कार है आप सबका मेरा फार्म हाउस चैनल पे, आदाब, सत श्री अकाल आप सबको। आप काफ़ी टाइम से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं तो आज ऐसे ही मैं आपको अपने और प्यारी प्यारी सहेलियों से मिलाने लेके आई हूँ। आज हम बात करेंगे बकरी के पालन की, तो आइए जानते हैं यहाँ के ओनर से कि वो इनका पालन पोषण कैसे करते हैं। जैसे कि आपको पता है ये इनका लंच टाइम है, आमतौर पर ये अपने लंच टाइम में इस तरीके का खाना खाती हैं। ठीक है, आपको पता ही लग रहा है कि ये अपना पेट भर रही हैं और उसके साथ वॉश बेसिन भी हैं, पानी भी पीती हैं। देखिए जस्ट लाइक अस ह्यूमन बींग्स की तरह। तो जानते हैं इनके ओनर से कि ये इनका पालन पोषण कैसे करते हैं, बिकॉज हमको ये बहुत तगड़ी नज़र आ रही हैं, बहुत ही स्वस्थ हैं, स्मेल यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मली अगर हम बकरी घरों में जाते हैं, बकरी पालन पोषण की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी स्मेल रहती है, वो लोग साफ़ सफाई का, खाने पीने का कुछ इतना ध्यान नहीं रखते हैं, उनको मतलब रहता है तो उनसे होने वाले प्रॉफिट्स का। लेकिन आज हम जहाँ पे हैं, जिनके बीच में हैं, उन्होंने इनका बहुत ही अच्छे से पालन पोषण कर रखा है। आप इनका पूरे का पूरा शरीर दे सकते हैं, तो मैं आपको मिलाती हूँ इनके मालिक से, तो आइए मिलते हैं उनसे। नमस्कार सर, मेरा नाम नेहा है और मेरा फार्म हाउस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सर? सर आप अपना नाम बताएंगे हमारे दर्शकों को? मेरा नाम है हर्षवर्धन जसवाल। हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन जी आप हमें बताएंगे कि मैंने ये चीज़ तो मुझे पता है कि ये क्या है खाने पीने के लिए इनके, तो ये क्या है ये जो खा रही हैं ये? मैम ये सिर्फ बकरियों के लिए नमक आता है बाहर से, पाकिस्तान से। पाकिस्तान से ये काला नमक आता है इनके लिए। इसके क्या फायदे हैं सर बकरियों के? इनका फायदा ये कि जैसे चारा खाएंगे उसके बाद पाचन क्रिया के लिए। तो आप उनके पाचन का भी ध्यान रखते हैं, तो मैं दर्शकों से बताना चाहूँगी कि ये सिर्फ उनके खाने का नहीं ध्यान रख रहे हैं, उनका पालन पोषण ही नहीं कर रहे हैं, जबकि ये चाहते हैं कि जो इनके अंदर पोषण जा रहे हैं, जो पौष्टिक तत्व इनको दे रहे हैं इनके अच्छे शरीर के लिए, वो पचना भी चाहिए इनके लिए। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप कब से ये पालन पोषण में हैं? मैम हमें स्टार्टिंग करते हुए 4 साल हो गए हैं जी। अभी जैसे हमने 3 साल पहले स्टार्ट किया था तो हमारे पास 10 से 12 बकरियां थी जी। हाँ, तो धीरे धीरे बढ़ोतरी होती गई, अब हमारे पास जो है कुल 71 हैं। 71 बकरियां हैं जिनका पालन पोषण करते हैं, और इनके साथ में देख रही हूँ छोटे छोटे से मेमने भी हैं, वो कहाँ रहते हैं सर? वो नीचे रखे हुए हैं ना जी। हाँ जी, तो उनको मिला के है ये सारा अकाउंट जो आप हमें बता रहे हैं? ठीक है। हाँ जी। तो सर मुझे आपसे एक बात जाननी थी कि ये कितने तरीके की ब्रीड आपके पास है? मैम हमारे पास जो है 3 ब्रीड है। 3 ब्रीड है। हाँ जी, एक तो राजस्थान की है सिरोही, और एक पंजाब की है बीटल, और एक पंजाब की आती है दुआबी नस्ल। दुआबी नस्ल आती है। हाँ जी, तो मतलब पंजाब हर जगह ही छाया हुआ है, 2 ब्रीड्स इनके पास पंजाब की ही हैं। तो सर ये जो वॉश बेसिन लगे हैं इनका क्या वर्क होता है? क्या ये खुद ही पी लेते हैं वॉश बेसिन से पानी? हाँ जी मैम, ये गर्मी में आसानी होती है ना पानी देने के लिए, अगर अकेले के लिए बकरी को पानी देंगे तो फिर तो संभव नहीं है। जैसे नॉर्मली मैंने काफ़ी बकरी पोषण पहले भी देखा है, वो लोग एक टप सा भर देते हैं, इतना स्पेशियस नहीं होता। मैंने देखा है आपने स्पेस बहुत रखा हुआ है इनके लिए, इनके रहने के लिए बहुत अच्छी हवा क्रॉस होती है यहाँ पे, तो ये एरिया कितना है सर? मैम ये जैसे इसकी लंबाई है वो 90 फीट जी। 90 फीट है। हाँ जी, चौड़ाई 20 फीट। तो ये कितने एरिया में आपने बनाया हुआ? मैम जो हमारा जो कुल एरिया है वो तो वैसे है 7.5 किनाल का। ओके, जो अकेला ये शेड है तो ये आधे किनाल में होगा। ये आधे किनाल में सिर्फ और सिर्फ एक शेड ही। हाँ जी, ठीक है। तो सर आप और हमारे जो किसान भाई हैं, ओ मम्मी अरे बाप रे, ये तो बाल ही खाने लग गए हैं, जबकि इनके पास नमक भी है और भाई साहब ने बहुत अच्छा खाने को भी दिया हुआ है, तब भी इनको बालों में इंटरेस्ट है, तो मैं कुछ मदद नहीं कर सकती, बट ये खाने की चीज़ नहीं है। ओके, मुझे बात करने दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है। तो हम सर से जानेंगे बेसिकली कि सर इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए? मैम अगर जो इंसान व्यक्ति अगर छोटे से छोटा काम भी स्टार्ट करेगा ना, इसे मतलब मिनिमम इन्वेस्ट करेगा तो कम से कम 10 लाख तो चाहिए हैं। 10 लाख चाहिए। तो अभी सर ये ऑलमोस्ट एसेट्स कितने की हैं ये आपकी, जो भी आपका बिजनेस चल रहा है? जो हमने मैम हमने किया था 18 लाख से स्टार्ट। 18 लाख से स्टार्ट। हाँ जी, तो हमने अभी तक इसमें से 3 या 4 लाख का तो प्रॉफिट कर लिया है। हमने 4 लाख। हाँ, तो आगे हम जो है मतलब थोड़े दिनों में हम एक और शेड तैयार कर रहे हैं बच्चों के लिए,
और ताकि और बकरी लाएंगे हम कम से कम 100 या 200 लाएंगे और। तो आप इसको और बढ़ा रहे हैं अपने वर्क को। और सर हमने सुना है कि आपके पास एक बहुत तगड़े वाला ब्रीडर भी है, तो आप हमें बताएंगे उसके बारे में और दिखा सकते हैं प्लीज़? मैं बिल्कुल। तो आइए स्वागत है इनके तगड़े वाले ब्रीडर से मिलने के लिए। देखिए इनके सुडोल शरीर, क्या कहने हैं इनके। अभी लंच टाइम चल रहा है इनका, बहुत अच्छे से चारा खा रहे हैं, तो जानते हैं इसकी खासियत इनसे ही। बताएंगे सर प्लीज़ खासियत के बारे में। मैम इसकी खासियत सबसे बड़ी है कि अगर जो भी ब्रीड होती है ना किसी भी चीज़ की, तो उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो किसी को कभी हानि नहीं पहुँचाएगा। अगर कोई देसी ब्रीड हो ना तो वो आपको यहाँ खड़े भी नहीं होने देगा किसी को भी। Okay. कभी किसी को खड़े नहीं होते। अगर जैसे ये ब्रीड है, एक अच्छी ब्रीड है, तो ये आराम से खाना खाएगा, आराम से कुछ किसी को कुछ नहीं करेगा। हाँ जी, हम देख रहे हैं कि बहुत इजी है ये, डरती नहीं है। नहीं डरेगा नहीं है किसी को। और सर ये ब्रीड है कहाँ की? ये ब्रीड है मैम राजस्थान की। राजस्थान? राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से। नागौर डिस्ट्रिक्ट से लाए। इसका बॉडी वेट कितना, कितने टाइम की है सर? इसका वेट है 1 क्विंटल 11 किलो। 1 क्विंटल 11 किलो, कितने टाइम की है? इसकी एज होगी 4 साल। मतलब 1 क्विंटल और 11 किलो का है इनका सबसे तगड़े वाला ब्रीड, और जिसकी उम्र है सिर्फ और सिर्फ 4 साल। तो सर अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि ये 1 साल में कितनी ब्रीड देता है आपको? मैम ये तो हम पर डिपेंड करता है कि हम कितनी, मतलब कितनी बकरी इससे कितनी प्रोडक्शन जाती है। हाँ अगर जैसे कि हमारे पास 70 हैं, तो ये अकेला बकरा जो आराम से 70 कर सकता है, आराम से 1 साल। हाँ आराम से। बहुत बड़ा काउंट है ये 70 का, आराम से बहुत बड़ा। तो सर क्या है ये, यही नॉर्मल खुराक खा के ही ये इतना? नहीं नहीं मैम, इनको हम देते हैं जैसे चने हो गए। ओके। चने को उबाल कर फिर चने का छिलका होता है वो, जैसे मक्की के दाने हो गए जी वो देना। फिर एक होती है एक आटे की एक चोकर बनती है वो देना। तो ये आप खुद घर पे ही बनाते हैं, यहीं पे प्रोडक्शन होती है कि बाहर से कहीं से खरीदते हैं? घर पे। तो कितना टाइम लगता है उसकी प्रिपरेशन में जब आप उसे बनाते हैं? हम जब भी बनाएंगे तो इकट्ठा बनाएंगे, मतलब 10-15 किलो इकट्ठा बना लेंगे एक बार में। और वो कितना टाइम निकल जाता है जो 10-15? कम 1 महीना निकल जाएगा उससे। 1 महीना उससे निकल जाता है, एंड उसी का ही है ये, मतलब उसी का नतीजा ये। हाँ जी, ये इतनी अच्छी ब्रीड है। सर एक क्वेश्चन मेरा आपसे और था कि जब आपने स्टार्ट किया था तब आपके पास, आपने जैसे बताया कि इतनी नहीं थी, तो कितने बकरियों से आपने काम स्टार्ट किया था? मैम हमने स्टार्ट किया था 14 बकरियों से। 14 बकरियों से स्टार्ट किया था, और उसके बाद कितने टाइम में आपने ये 71 का अपना रखा अकाउंट? मैम वैसे तो हमारी 100 कंप्लीट हो गई थी 2 साल बाद ही, पर लेकिन जैसे अभी पिछले 6 महीने पहले जाते स्टॉक जाता ना यहाँ से, तो हमने कम से कम 31 बेचे थे जी। हाँ, तो आप बेचने का काम भी करते हैं जी? जो मेल होते हैं वो तो जाएंगे मीट के लिए, ठीक है। हाँ जैसे फीमेल है तो वो लोग ले जाते हैं घर में पालने के लिए या फिर दूध के पर्पज के लिए। तो सर इस पे कोई गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी मिलती है आपको? मैम जब हमने स्टार्ट किया तब तो कोई सब्सिडी थी नहीं, पर लेकिन अभी हमारे CM थे जैसे जयराम ठाकुर जी, उन्हें सर स्कीम दी थी, उसमें हमें देते हैं 11,000 में 11 बकरी देते हैं और 1 ब्रीडर देते हैं। बहुत अच्छे, ये एक बहुत अच्छा आपके लिए एक अवसर है अपने बिजनेस को और अच्छे से बढ़ाने का। और सर अगर किसी किसान भाई ने ये बिजनेस स्टार्ट करना हो तो क्या इन्वेस्टमेंट रहती है, क्या खर्चा, और केयर कैसे होती है? बिकॉज आपने जो ये शेड पूरा रखा हुआ है, वहाँ टैंक है, यहाँ सारे, ये मेरे को तो आपका वाला काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है, और आपने बहुत स्वच्छता के साथ रखा हुआ है, तो ये बहुत हेल्दी भी है, कोई स्मेल नहीं है यहाँ पे, तो ऐसे ही चलना चाहिए? क्योंकि कई जगह पे तो एक ही जगह पे कितनी कितनी, जैसे इतना वाला जाल है ना, तो उसी में 5-6 पड़ी होती हैं और वो बहुत स्मेल कर रही होती हैं, तो क्या आपका रहता है इसके ऊपर सजेशन? मैम ये तो लोगों के मतलब एक माइंड की बात होती है ना, तो जैसे लोग बोलते हैं कि हम 100 बकरी रखेंगे लेकिन छोटी सी जगह में रखेंगे, पर लेकिन तो वहाँ पर इतनी केयर तो होगी नहीं। बिल्कुल, हाँ ध्यान नहीं जाएगा। बकरियों को कम से कम एरिया तो चाहिए ना। ओके। बकरियों की एरिया चाहिए तो तभी बकरी रहेंगी। और अगर किसान भाइयों ने स्टार्ट करना हो तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे वो सब? स्टार्टिंग ही इसका जो प्रोसेस है वो स्टार्टिंग अगर किसी ने करनी तो वो 6 या 7 बकरी लाए, उस ऊपर ना लाए। ओके। पहले उसको समझ ले। हाँ जी, जैसे जैसे उनका देखते करता रहेगा वैसे वैसे वो समझता जाएगा, वैसे वैसे उसका बिजनेस डेवलप करेगा, राइट। तो ये थे हमारे साथ बकरी पालन पोषण के तहत हम इनसे मिले हैं आज। तो मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहती हूँ कि इनका नाम और इनका नंबर हमने शेयर किया है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप स्ट्रेट अवे इनको कॉल कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। लेकिन ये आज तक का मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है बकरी पालन में, क्योंकि मैं जितने भी पहले जगहों पर गई हूँ इतनी अच्छे से या इतनी साफ़ सफाई से किसी ने नहीं रखा था। इसी तरीके के बहुत ही इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम के लिए बने रहिए मेरा फार्म हाउस चैनल के साथ। धन्यवाद।